लखीमपुर खीरी में रैली में अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही विपक्षी समाजवादी पार्टी के सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि सपा अभी से हार से बौखला कर रोना शुरू कर चुकी है। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने अभी से कहना शुरू कर दिया है। पहले ईवीएम को दोष देते थे और अब कह रहे हैं कि चुनाव जबरदस्ती जीता जा रहा है। चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता, चुनाव मतदाताओं के आशीर्वाद से जीता जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर बोला हमला, पहले मतदान फिर भोजन। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, अमन गिरी को जिताना है। सपा की टक्कर में कोई नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनता की यही पुकार, अमन गिरी की बनेंगे विधायक। हमारे मतदाता किसानों के भावनाओं के विरुद्ध कार्य कर जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो मध्य प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजारते थे और पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज तो दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया है जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी पोती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।